लेकिन जब तनख्वाह की बारी आई तो पेड वालों को मिल रहे और अनपेड अलग हो गए। अब हम उम्मीद है आपको कि मिलेगी, अब हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है काम कर रही है, ये हमारी ये आवाज जरूर सुनेगी कि उनको तनख्वाह मिल गई है। शुक्रिया गुजार हैं हम भारतीय जनता पार्टी की। नमस्कार, मैं पत्रकार राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है कि अलार्म। तो चलिए राजेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं, ये डिस्ट्रिक्ट डोडा से जो है वीडीसी के कन्वीनर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या आश्वासन जो है आप देते हैं अनपेड वीडीसी को और वीडीसी की सैलरी? राजकुमार जी आपका धन्यवाद कि आपने टाइम दिया यहाँ आने का, यहाँ पर पहुंचे आप। सबसे पहले मैं अपने वीडीसी मेंबर भाई को सबको मुबारकबाद देता हूँ। जैसे हमारे को पेड़ वालों को तनख्वाह मिली, ऐसे लोगों को भी तनख्वाह मिलनी है। कोई भी बंदा हमारा अनपेड नहीं था, जो हमारा एक आंकड़ा था हमने सरकार के पास पूरा आंकड़ा दे दिया था। कुछ डिपार्टमेंटों की वजह से या कुछ फॉल्ट पड़ा जिससे कि कुछ लोग रह गए। हमारा यही है हाईकमान से, इनके खाते में जैसे हमारे खाते में सैलरी आई, ऐसे ही खाते में सैलरी आनी चाहिए। और पॉलिसी में हर मेंबर का नाम है, पॉलिसी जैसे हमारी पॉलिसी बनी ऐसे इनकी पॉलिसी बनी है, उसी पॉलिसी के तहत इनको भी 4,000 सैलरी मिलेगी। और जो हमारी सरकार है, सरकार का कहना है, आप बोलो कि आपको चाहिए क्या, और सरकार ने यह भी बोला है आपकी जो सैलरी है 4,000 बहुत कम है, इसको हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे वीडीसी मेंबर की स्ट्रेंथ पूरे जम्मू कश्मीर में 40,000 के करीब है, हर फैमिली में हर बंदे के साथ 10 बंदे खड़े, ये 4,20,000 बनता है। वीडीसी का जो भी लोग है सपोर्टर है 4,20,000 है। अब सोचिए कि जेएनके में अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, 4,20,000 वोटर पूरा हमारी भाजपा के साथ कंधा मिलाकर चलेगा और जुड़ेगा। बाकी सरकारों को कानून में जब आवाज पहुंचती है वो भी उनके होश उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ वीडीसी की भाजपा के साथ जुड़ी हुई है, क्यों जुड़ी हुई है? 96 में इन लोगों ने हमारी जाने बचाई है, आज हमें सैलरी दी जा रही है। आज हर अपना वीडीसी मेंबर अपने घर की रक्षा करता है, अपने गाँव की रक्षा करता है। और फिर मैं एक बार कहना चाहता हूँ अपनी हाईकमान से, जो हमारे गृह मंत्री जी है, जो हमारे रविंद्र रैना जी है, सुनील शर्मा जी है, इनको दावत देता हूँ। उन लोगों ने हमारे लिए बहुत बड़ा सोचा है और आने वाले वक्त में ये सैलरी 10,000-12,000-13,000 तक जाएगी। मैं पूरे अपने मेंबरों को कहना चाहता हूँ साथियों, ये लोग अनपेड नहीं है, चंद महीनों के बाद मैं डेढ़ नहीं बोलूंगा कहाँ मिलेगी, इनको भी सैलरी मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत सारी जगह पर ये भी दिक्कतें निकल कर सामने आती कि उनके जो SPOs थे, वीडीसी के जो SPOs थे, किसी की डेथ हो गई, कोई छोड़कर चले गया, लेकिन उसके बाद जितने भी जो पेड वीडीसी वाले थे वो अब अनपेड की लिस्ट में आते हैं। भाजपा तो ये दावा करती है कि हमने पेड और अनपेड में कोई फर्क नहीं छोड़ा है, लेकिन मसला जो हकीकत ये निकल कर आ रही है कि पेड वालों को मिल रही है, अनपेड वालों को नहीं मिल रही है। और जिनके वो जो वीडीसी SPOs थे जो छोड़ के चले गए या उनकी डेथ जो हो गई, उन लोगों को भी आपने अनपेड की कैटेगरी में जो है वो डाल दिया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत बार, राजकुमार जी ऐसा कुछ नहीं है। जब SPO थे, जो SPO लोग थे जिन्होंने अपना ज्ञापन जमा कर दिया था, उनकी सैलरी बंद हुई है। बाकी उनके साथ नीचे थे, बाकी जो भी SPO है किसी की सैलरी बंद नहीं हुई है, सबको पेड मिली हुई है। हमारे जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में 4,700 लोगों को पेड मिली है, सैलरी मिली है, लगी है सैलरी। जो लोग रह गए हैं उनको भी सैलरी मिलेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारी जो हाई कमांड है वीडी जी के साथ बहुत अच्छे से वो टाउन कर रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं, और मैं हर मेंबर के खाते में सैलरी मिलेगी। पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद पूरे लोगों को सैलरी लागू होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको जी। और हमारा सरकार से ये भी है हमारी रिटायरमेंट कम 5-10 लाख दी जाए, हमारी पेंशन जब अगर हम 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए हम क्या लेके जाएंगे। मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि हर मेंबर के खाते का 10 लाख मिलना चाहिए रिटायरमेंट में। चलिए दावे जो है वो बहुत कर दिए गए हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या ऐसा वीडीजी के साथ में जो है होता या नहीं है। ये और बहुत सारे अनपेड वीडीजी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सब क्या नाम हुआ आपका बताएं, आप क्या नाम? नालिब हुसैन। कहाँ से हैं आप? ठाठरी से। ठाठरी से वीडीजी में आप भी? जी जी जी।
और कब से आप बीडीसी में लगे? मुझे हो गए एक दो साल, अभी पहले थे ना दूसरे के बाद मैंने अपने नाम कर लिया जी। तो आपको उम्मीद है कि आप आज यहाँ पर आए, यहाँ पर भाषण तकरीरें हुई होंगी, तो आपको जो है वो तनख्वाह मिलेगी? अभी पता नहीं, अब इन ये हमारे साथी हैं, अगर ये कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे, जैसे अनपेड वालों को मिल रही है अब, लेकिन हम रह गए अब अनपेड वाले, कि पहले ये ऐलान भी किया था और कहते भी थे कि जब मिलेगी सबको मिलेगी, सबको मिलेगी तनख्वाह, लेकिन जब ये बारी आ गई तो अनपेड अलग हो गए और पेड वालों को तनख्वाह मिल रही है जी। तो हम यही आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और इन सब साथियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये आवाज़ आगे तक पहुंचे, ताकि हमारे भी बच्चे हैं ना, हम दूर कहीं जा सकते हैं काम पे, क्योंकि वेपन है, वेपन का भी ख्याल रखना है और गाँव का भी ख्याल रखना है, तो दूर भी नहीं जा सकते हैं, अगर कहीं भी होंगे, कहीं कुछ हादसा हुआ तो हमें जाना पड़ता है वहाँ पे। आज तक जितनी भी आई वीडीसी हमारे जो पीछे थे, उन्होंने भी ड्यूटी दी, बैंकर भी बनाए थे उनके साथ, यानी उनको रात भर, यानी पहले जो जमाना था आपको पता खुद ही मालूम है कि कैसा माहौल था, कि घर में जीना भी मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने ये वेपन पकड़ा था। अब तो ये हुआ कि जो खतरा था वो खत्म हुआ, लेकिन अब बारी आई कि हमें सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा की, कि हमको भी कुछ मिले, दाल फुल्का मिले, हमारे बच्चे भी आराम से खाएं। तो अब हम देख रहे थे और इस उम्मीद से बैठे थे कि अब हमारा मसला हल होना है, लेकिन जब तनख्वाह की बारी आई तो पेड़ वालों को मिल रहे और अनपेड अलग हो गए। अब उम्मीद है आपको कि मिलेगी? अब हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है काम करते कर रही है, ये हमारी ये आवाज जरूर सुनेगी कि हमें भी तनख्वाह लगाएगी। बिल्कुल, यही जो है बीडीजी मेंबर्स की जो है अभी भी आशा भाजपा बनी हुई है, क्योंकि भाजपा कहती है कि अगर बीडीजी का कोई कल्याण कर सकता तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए जो है इनकी अभी भी उम्मीद है। देखना यह है कि कितनी जल्द अनपेड वीडीजी को भी जो है वो तनख्वाह मिल पाती है। और भी कुछ लोगों के साथ, क्या नाम हुआ? नाम मेरा देशराज है। कहाँ से? मैं आसीसी से हूँ। कहाँ से? आसीसी गांव से। अच्छा, नगर आसीसी जी। तो आप भी अनपेड है? ना, हम पेड है। हमको तनख्वाह मिल गई है, शुक्रिया गुजार हैं हम भारतीय जनता पार्टी की, कि जिन्होंने हमारी इस आवाज को सुना, और जो हमारा वीडीसी सेल है, जब से हमारा वीडीसी सेल बना, हमारे ठाकुर बसंत राज जी, हमारे सुरेश शर्मा जी, राजेश जी, हमारे सुलिंदर जी, और इन्होंने बहुत जी जान तोड़ के कोशिश की, और भारतीय पार्टी जो हमारी भारतीय पार्टी जनता पार्टी है उनके पास बार बार इन्होंने जाकर बहुत जाकर कोशिशें की, और आखिरकार इनकी कोशिशें जो हैं वो रंग लाई और आज हम लोगों को सैलरी मिलने लगी। हम इनका बहुत तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके सुरेश शर्मा जी का और बसंत राज जी का, अपने सुलिंदर जी का और राजे जी का, आगे आगे ये चले और पीछे पीछे हम भी इनके पीछे पीछे इनका ताउन करने लगे, और बड़ा काम इन्होंने, जितना भी काम इन्होंने किया, इनकी जितनी भी हम सराहना करें तो बहुत कम है। बिल्कुल, तारीफ जो है वो हो चुकी है, क्योंकि इनके खाते में तनख्वाह आ चुकी है। सब, क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम सुरेश शर्मा है। आप भी बीडीसी में हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि कैसे जो है आप देखते हैं, आप अनपेड हैं या पेड? नहीं, मैं पेड हूँ। एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी का एक वीडीसी सेल बना हुआ है, मैं वीडीसी सेल का को कन्वीनर इस टाइम जगह यूटी से हूँ, और जिला डोडा का इंचार्ज भी हूँ मैं। तो आप जो इनके दुखों से दर्दों से जो है वाकिफ होंगे, क्योंकि आप खुद भी जो है इसमें रह रहे हैं, लेकिन आप जो है आपके खाते में तो आ रही है, लेकिन जिन लोगों के खाते में नहीं आई, उन्हें जो है कहीं ना कहीं मलाल जो है अभी भी भाजपा से है, उम्मीद भी है लेकिन मलाल भी है कि आखिर हमारे में कब, तो उन्हें क्या कुछ कहते हैं आप? नहीं, मैं अपनी तरफ से और अपने जो टीम जो इनकी तरफ से, मैं जितने वीडीसी मेंबर है हमारे नॉन पेड जो कमेटी के हैं, उनको मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनको भी सैलरी जो है वो आएगी, टाइम और डेट नहीं दी जाएगी, लेकिन इनको भी सैलरी हम लगा के देंगे, जैसे हमने पेड़ वालों का काम किया है वैसे हम नॉन पेड़ का भी काम करेंगे, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, हमने इनकी जो फाइल जो है वो ऊपर पहुंचा दी है, लेकिन उम्मीद है हमें कि इनका काम बहुत जल्द होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, इस समय जो है हम भाजपा के
हेड ऑफिस में मौजूद हैं और हमारी बातचीत हुई। आप तमाम लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये तमाम उन बीडीसी के लोगों तक पहुंचे जिन्हें अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली या जिन्हें तनख्वाहें मिली है उन्हें अभी भी जो है इस चीज़ को लेकर संदेह है कि आखिर हमारे साथ क्या होगा, हमें कितनी जल्द जो है वो तनख्वाहें मिलेंगी। आपके जितने भी सवाल हैं हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पहुंचाने की इन तक कोशिश करें क्योंकि हमारा काम है, माध्यम है लोगों की बात जो है सरकारों तक पहुंचाना, बाकी वो क्या करते हैं वो उनके हाथ में है। लेकिन आप तमाम लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी हमारे पेड लोग हैं उन्हें जो है पेड वीडीसी मेंबर है उनके खातों में तनख्वाहें आ रही है, 3-3 महीने करके ही आ रही है लेकिन तनख्वाहें पहुंच रही है। डीजे राजकुमार को इजाजत, बने रहे टीएलआर के साथ। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।